रूस यूक्रेन महायुद्ध को 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं और इस वक्त अखाड़ा में बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को सप्लाई करने वाले देशों को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के मददगार देशों पर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले बुल्गारिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाई क्षेत्र बंद करने के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सर्गेई लावरोव सर्बिया का दौरा रद्द कर चुके हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है कि तुम अगर मेरा रास्ता रोकोगे यानी रूस के आगे आओगे तो रूस भी पलट कर वार करेगा, कार्रवाई करेगा। पुतिन ने युद्ध का दूसरा मोर्चा खोला। परमाणु मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी। रूस के निशाने पर नाटो के 3 देश। रूस ने दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल सरमात से नाटो के 3 देशों को उड़ाने की धमकी दी। बल्गेरिया, रोमानिया, मोंटेनेग्रो को सरमात मिसाइल से बर्बाद करने की वार्निंग रूस के स्पेस एजेंसी के हेड ने दी है। रूस के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने अपने सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की धमकी दी है। ये धमकी तब सामने आई है जब रूसी के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सर्बिया के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन सर्बिया के पड़ोसी देशों ने लावरोव के विमान के लिए हवाई क्षेत्र की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई है। सर्बिया उन देशों में शामिल है जिसने यूक्रेन हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। इसीलिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सर्बिया जाने का मन बनाया, लेकिन सर्बिया के पड़ोसी देशों बल्गेरिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो की ओर से लावरोव के विमान के लिए उनके हवाई क्षेत्र की अनुमति नहीं दी। इसके बाद लावरोव ने सर्बिया दौरा रद्द कर दिया। लेकिन नाटो के इन 3 देशों के डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद एक बार फिर यूरोप में टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रूस इसे नाटो का एक्शन बता रहा है और इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। रूस की स्पेस एजेंसी प्रमुख की धमकी भरा ट्वीट नाटो देशों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि सरमात के बारे में अच्छा क्या है? ये कायर बल्गेरिया, प्रतिशोधी रोमानिया और मोंटेनेग्रो के ऊपर की उड़ान भरने के लिए परमिट नहीं मांगता। इन देशों ने हमारे इतिहास के साथ धोखा किया है। यही नहीं, रूस ने स्वीडन को भी नाटो का पिट्ठू बताया और एक बार फिर उसके परिणाम भुगतने की बात कही। स्वीडन ने अभी 2 हफ्ते पहले ही नाटो में शामिल होने की बात कही है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआत के बाद यूरोप 2 भाग में बंट चुका है। कुछ देश रूस के पक्ष में खड़े हैं, तो कुछ नाटो में शामिल देश रूस के खिलाफ हैं। रूस हर देश को अपना दुश्मन समझ रहा है जो यूक्रेन युद्ध में उसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो अब उन देशों के खिलाफ परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है। सरमत मिसाइल हाइपरसोनिक होने के साथ साथ परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को शैतान के नाम से भी जाना जाता है। सरमत के आगे दुनिया के तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीकी धरी की धरी रह जाएगी। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर की है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं, जिसे सरमत जो 25,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर कभी भी 16 कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम में 1,000 गुना ज्यादा ताकतवर है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमत के एक वॉरहेड का वजन 550 किलोटन है, तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था वो 15 किलोटन का ही था। सरमत मिसाइल को बताने के लिए 2 ही बातें काफी हैं। पहली कि इस मिसाइल से फायर कर देने के बाद इसे बीच में मार गिराया नहीं जा सकता,
और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे ढूंढेंगे, तब ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी, अपने मिशन में सफलता पा चुकी होगी। यही वजह है कि रूस अपने दुश्मन देशों को अपने सबसे लेटेस्ट हथियार से पूरी तरह खत्म करने की धमकी दे रहा है। सरमात मिसाइल में ऐसा क्या है जिससे यूरोप ही नहीं अमेरिका भी डरता है? इस मिसाइल के बारे में हमने जानकारी जुटाई है। दुनिया की सबसे खतरनाक सरमात मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इसमें पेलोड उठाने में। साथ ही साथ इस मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक है। रूस ने जब इस मिसाइल का परीक्षण किया था तो ये रूस के उत्तर पश्चिम में मौजूद अरखांगिस्क प्रांत से लॉन्च की गई और वहां से रूस के दूसरे छोर यानी बिल्कुल पूर्व में बसे उसके कमचटका प्रायद्वीप पर जाकर अपने टारगेट पर फट पड़ी। मतलब मिसाइल ने दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की लगभग पूरी चौड़ाई माप ली और करीब 5,500 किलोमीटर का सफर तय किया। अब पुतिन को अपनी इस सरमात मिसाइल पर इतना विश्वास है कि उनका दावा है कि यह ऐसी मिसाइल है जिसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। सरमात मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, इसलिए रूस का कहना है कि उसकी मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। इतना ही नहीं, इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर, यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर अब रूस की इस मिसाइल की जद में है। रूस का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, सरमात मिसाइल उस पर फट सकती है, अटैक कर सकती है। और तो और एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है यह सरमात मिसाइल। एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है, जिनमें से हर एक बम 550 किलोटन जितना भारी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जिस बम का प्रयोग किया था जापान के हिरोशिमा में, जहां हिरोशिमा पूरी तरह बर्बाद हो गया था, उसका वजन भी सिर्फ 15 किलोटन था। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि यह अगर एक बार चल गई तो ब्रिटेन जैसा देश फिनिश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और तो और ये अपने महज एक हमले में फ्रांस की साइज के जितने देश को भी दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। तो ये सरमात मिसाइल को टेस्ट फायर कर चुके हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर भारत भी काम कर रहा है, चीन भी काम कर रहा है, अमेरिका भी काम कर रहा है, लेकिन रूस इसे टेस्ट फायर कर चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव के देमर शहर से जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं। जावेद नमस्ते, कहां पर हैं आप इस वक्त? आनंद, इस वक्त हमारी मौजूदगी दीमर इलाके में है, करीब 50 किलोमीटर दूर ये कीव से है। लेकिन कीव को एक बार फिर से निशाना बनाया है रूस ने, जहां शुरुआती दौर में हमले किए गए थे, एक बार फिर से राजधानी कीव निशाने पर आ गई है। और देखिए, वो निशानियां अभी भी मौजूद हैं। आनंद, मैं आपको दिखाऊं, आसपास जितनी भी इमारतें देखेंगे आप, चाहे वो रेजिडेंशियल इमारतें हो, वो आपको तबाह नज़र आएंगी, या फिर कमर्शियल इमारतें हो। देखिए, मेरे दाईं तरफ एक फैक्ट्री है, वो पूरी तरह से बर्बाद और तबाह नज़र आ रही है, ध्वस्त नज़र आ रही है। ऐसी कई अलग अलग जगहों पर ऐसी इमारतें हमें इस इलाके में मिल रही हैं। हम अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ यही तस्वीर नज़र आ रही है। देखिए, कल यूक्रेन में, पूर्वी यूक्रेन के द्रुजिवका शहर पर भी एक मिसाइल गिरी थी, जहाँ काफ़ी घरों और चर्च को नुकसान पहुँचाया गया था। जेलेंस्की ने कल प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि 113 चर्च अब तक नष्ट हो चुके हैं। तो ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। और लगातार इसी तरह से जो डोनबास का इलाका है, वहां अभी भी जंग जारी है, लेकिन राजधानी कीव में इतनी सतर्कता बरती जा रही है। परसों जिस तरह से मिसाइल अटैक हुए थे, रूस का दावा था कि टैंक तबाह किए, तो ये बड़ा जो तस्वीर उभर कर सामने आई है। इस इलाके में अभी यूक्रेनी सेना मौजूद है जावेद?
इस जगह क्या यूक्रेनी सेना मौजूद है? क्या यहाँ पर किसी तरह से स्थिति सामान्य की तरफ आ रही है? क्योंकि मैंने आपके पीछे कुछ गाड़ियाँ देखी, क्या कुछ वहाँ दुकानें खुली हैं, क्या कुछ स्थानीय लोग यहाँ लौट रहे हैं? क्योंकि जब युद्ध छिड़ा था तो यहाँ से सब लोग पलायन कर गए थे। देखिए, जो कीव की अगर बात करें, कीव और उसके आसपास के इलाकों की, 24 फरवरी जब हमला शुरू हुआ था तब लोग यहां से पलायन कर गए थे, कीव से लाखों लोग गए थे, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य होने लगी थी तो लोग लौट कर भी आए हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां आपको दुकानें कुछ खुली हुई नज़र आएंगी, लेकिन जब परसों जो अटैक हुआ है उसके बाद एक बार फिर से कीव के लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि ये बात संदेश देने की कोशिश रूस ने ज़रूर की है कि कीव भी खतरे की जद से बाहर नहीं है। तो ये यकीनन इस बात को कहा जा सकता है कि कीव पर हमले के बाद लोगों में डर है और पूरी सतर्कता हम कीव में देख रहे हैं। जगह जगह आर्मी पेट्रोलिंग कर रही है, चेकिंग कर रही है कि किसी तरह से और जो कीव तक रूसी सेना है वो ना पहुंचे। लेकिन कीव से शुरुआती दिनों में धकेलने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन बीच बीच में जो अटैक्स कीव पर हो रहे हैं ये बड़ा संदेश देने की कोशिश रूस कर रहा है। क्योंकि यूक्रेनी सेना के दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में कॉन्सेंट्रेशन को रोकने की कोशिश करेगा रूस और उनको भटका कर फैला कर रखने की कोशिश करेगा, इसीलिए स्ट्राइक्स कीव और फिर पश्चिमी यूक्रेन में भी हो सकते हैं। अभी इस वक्त ही बहुत बड़ी खबर आ रही है, जावेद आप मेरे साथ बने रहिए। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर बहुत बड़ा हमला किया है। पूर्वी यूक्रेन में चल रहे भीषण जंग में यूक्रेन की सेना ने रूसी बीएमपी टैंक पर कब्जा कर लिया है। ये वो बीएमपी टैंक है रूस का जिस पर अब यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। युद्ध में लगता है काफी मार भी सही है, इस पर कई सारे एक्सप्लोजन्स विस्फोट भी किए गए हैं, अटैक्स प्रहार किए गए हैं, दिख रहा है आगे का भारी स्तर जो है इसका, खासकर फ्रंट और रियर साइड में अगर आप देखें तो आपको काफी सारा डैमेज भी मिलेगा। लेकिन ये पूरा टैंक पूरी तरह से इसको ध्वस्त नहीं किया गया, लेकिन इसको अब यूक्रेनी सेना के कब्जे में है। तो रूसी टैंक अब यूक्रेनी सेना के कब्जे में और ये घूम कर क्या अब रूसी सेना पर प्रहार करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब वहीं व्लादिमीर पुतिन आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। पुतिन को सबसे ज्यादा टेंशन बाइडेन के लिखे एक आर्टिकल से हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस आर्टिकल में जेलेंस्की को दिए जा रहे नए हथियारों की लिस्ट भी छाप दी है। ये पुतिन को खुल्लम खुल्ला चैलेंज है और इसलिए पुतिन ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनके रास्ते में अब जो आया वो बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका यूक्रेन को हाईमार्स रॉकेट भी देगा ताकि वो रूसी फौज के ठिकानों को जवाब दे सके। अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल भी देगा ताकि वो रूस के आधुनिक टैंक्स को बख्तर समेत उड़ा सके। अमेरिका यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल की नई खेप भी देगा ताकि वो रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को निशाना बना सके। बाइडेन ने यूक्रेन को MI-17 हेलीकॉप्टर देने की भी तैयारी कर ली है और ये सब दावे हवा हवाई नहीं हैं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक एक हथियार के वादे पर लिखकर भरोसा दिया है और उस पर व्लादिमीर पुतिन का बहुत डराने वाला जवाब भी आया है। पुतिन ने क्या कहा वो बाद में दिखाएंगे, पहले देखिए यूक्रेन युद्ध और खतरनाक लेवल पर पहुंचे उसके लिए हथियारों की सप्लाई को लेकर बाइडेन ने
ज़ेलेंस्की को क्या यकीन दिलाया है। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स में बाइडेन का वो लेख जिसमें बाइडेन ने बताया कि वो यूक्रेन में क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। इस लेख के बड़े पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा है, हम यानी नाटो युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी ताकि वो रूस से मुकाबला कर सके। हाँ, अगर नाटो के सदस्य देशों पर रूस ने हमला किया तो जवाब दिया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या बाइडेन ने ऐसे हालात बनाने शुरू नहीं कर दिए हैं कि रूस को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से हाई मार्स रॉकेट मिलने की खूब चर्चा हो रही है। ये ऐसे रॉकेट से लैस हैं जिसके मीडियम रेंज वर्जन से भी अगर यूक्रेन लैस होता है तो रूस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए बाइडेन के लेख का जवाब पुतिन ने एक इंटरव्यू में दिया है जिसमें उनका एक एक शब्द नेटो को वार्निंग दे रहा है, हाई मार्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा। इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला। Где нет войсковой системы ПВО. У нас есть буки, торы, панцири. Работает в высшей степени эффективно. ऐसे आप पुतिन की वार्निंग नंबर एक कह सकते हैं जो वाकई बहुत खतरनाक नजर आती है। पुतिन बहुत साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं कि जवाब में ऐसे ठिकानों को तबाह करेंगे जिसको अभी तक उन्होंने टारगेट नहीं किया है। कीव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर देमर शहर में अभी जावेद मंसूरी लाइव जुड़ रहे हमारे साथ। जावेद, आप कहां पहुंचे हैं अभी? ऐसा लग रहा है कहीं क्या यहां पर पहले रूसी सेना की तरफ से अटैक हुआ था? ये कैसी जगह है जहां पर अभी आप हैं? देखिए, डीमर इलाके में हम मौजूद हैं और 50 किलोमीटर दूर हमारी कीव से दूरी है और हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँ जो रेजिडेंशियल एक इमारत है उसकी अंदर की हालत ज़रा देख लीजिए, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए किस तरह से नुकसान इस इमारत को पहुँचाया गया है। ये पूरा ये जो एक घर है इसको पूरा तबाह कर दिया गया है। यहाँ जगह जगह ऐसी इमारतें हमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको वो एक फैक्ट्री की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ कीव और उसके आसपास के इलाके डीमर, दारेंस्की, इरपिन, बूचा, ये पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। फिलहाल यहाँ से जो रूसी सेना है उसको तो धकेल दिया गया था, लेकिन जो अभी नुकसान है कोशिश यही है कि उसको किसी तरह से उसकी भरपाई की जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, लेकिन अभी भी जो जंग 100 दिन से ज़्यादा से चल रही है, बड़ी चुनौती एक बार फिर से राजधानी कीव को लेकर खड़ी हो गई है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी इलाकों में जंग चल रही है लेकिन फिर से एक बार कीव को निशाना बनाया गया है। तो दोनों तरफ भटकाने की कोशिश यूक्रेन को रूस की तरफ से की गई है और यहाँ इन इलाकों में एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। लोग भी अलर्ट पर है, सेना अलर्ट पर है, मुस्तैद नजर आ रही है। हर इलाके में पेट्रोलिंग सेना की जगह जगह हमने कीव शहर में देखी, वहां बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। जी जावेद, लेकिन एक बात है जो देमर में कम से कम आपके इर्द गिर्द लोग भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, वाहनों की आवाजाही दिख रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती नजर आ रही है, क्योंकि इस इलाके में शायद अब पिछले महीने डेढ़ महीने से अटैक्स नहीं हुए हैं। धन्यवाद आपके अपडेट के लिए।